इसमें मैं परिवार का संस्कार कहूँगा, कहीं ना कहीं परिवार की इसमें जो है कमियाँ रहती हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता, बच्चे जो उत्पात करते हैं, पहले छोटा करते हैं उसके बाद में, जैसे भाई के साथ में भी घटना घटी है तो शायद हमारे बीच में भाई नहीं होते। तो मैं तो यही कहूँगा सभी जो है अपने समाज के भी, सर्व समाज से भी, कि अपने बच्चों को शिक्षित करें और अच्छी शिक्षा दें और अच्छे उनमें संस्कार डालें। मेरे पीछे आप एक बड़ी सुंदर सी प्रतिमा देख रहे हैं, जिसके लिए मैं गाजियाबाद पुलिस का बारंबार धन्यवाद करूंगा कि माहौल को देखते हुए, माहौल को गांव के प्रेम और सौहार्द को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा बवाल गाजियाबाद में हो सकता था। जैसा कि बवाल आपने गाजियाबाद के नवीक मार्केट की प्रतिमा के मामले में देखा था, उस समय सलमान ताज इस गाजियाबाद की कमान को संभाले हुए थे और उन्होंने बड़ी प्रमुखता से रातों रात उस मूर्ति को बदलवाया। यही काम आज मुझे लगभग वो 10 साल पुरानी बात याद आ रही है, जब मैं डॉक्टर अम्बेडकर पार्क नवीक मार्केट में रिपोर्टिंग करने गया था तो सुबह सुबह 7:30 बजे नई मूर्ति की स्थापना की जा चुकी थी। वहाँ पर भी कुछ असामाजिक तत्वों ने मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की थी, मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया था। एक बार पुनः आज बमेटा के इस ऐतिहासिक गांव में, मैं बार बार ऐतिहासिक शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इस बमेटा के इस गांव ने इस देश को सैकड़ों गोल्ड मेडल दिए हैं। इस गाँव के इस छोटे से गाँव से सैकड़ों की संख्या में पहलवान, हमारे देश के पहलवान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम गौरव किया है उन्होंने। लेकिन जब ऐसी घटनाएं, जातीय उत्पीड़न की घटनाएं इस इतने ऐतिहासिक गांव से निकल कर आती हैं तो कहीं ना कहीं शर्म से हम जवाब नहीं दे पाते अपने आप को, नज़रें झुक जाती हैं कि आज़ादी का 75वां महोत्सव हमारे मोदी जी मना रहे हैं और उनकी छत्र छाया में आज़ादी के 75वें महोत्सव पर जातीय उत्पीड़न की ऐसी घटनाएं, NCR, दिल्ली NCR जैसे, गाजियाबाद जैसे महानगर में हो रही हैं। मैं एक बार पुनः गाजियाबाद प्रशासन का धन्यवाद करूंगा, इतनी सुंदर मूर्ति और गांव के जो प्रेम और सौहार्द उसको बिगाड़ने से पहले उन्होंने रातों रात तत्वरित कार्रवाई करते हुए उसको बदलवा दिया। और अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा कि गाजियाबाद पुलिस कितनी तत्परता से इस क्षेत्र के अंदर प्रेम और सौहार्द को बनाए रखने के लिए कल रात से ही यहाँ पर जिम्मेदारी अपनी निभाए हुए है और कहीं ना कहीं क्षेत्र के अंदर अमन चैन इन पुलिसकर्मियों की वजह से कायम है। और इस देश के अंदर जब तक कानून व्यवस्था है, इस देश की जो शांति है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगी। सन्नी है जिनके साथ ये घटना भमेटा गांव में हुई है, बाबा साहब की प्रतिमा को नमन, अस्पताल से आने के बाद बाबा साहब की प्रतिमा को नमन और पुष्पांजलि वो कर रहे हैं और साथ में तमाम, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पुलिस प्रशासन व ग्रामीण क्षेत्र के जो इनके लोग हैं, जो आसपास के क्षेत्रीय लोग हैं, वो यहाँ इकट्ठा हैं, जमा हैं, सभी लोगों से चर्चा करेंगे। घटना के बाद क्षेत्र में किसी तरह का कोई यहाँ पर माहौल ख़राब ना हो, उसकी भी अपील हम करेंगे लोगों से कि कानून को अपना काम करने दें, कानून के तहत इसको हम एक बार पुनः कहना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र की शांति को जिस तरीके से 75 सालों में बनी रही है उसको बनाए रखें, कानून बिल्कुल भी अपने हाथ में ना लें। सन्नी और सन्नी की मम्मी दोनों मेरे साथ हैं, सन्नी से भी मैंने आपकी बात कराई, सन्नी की मम्मी से भी बात कराएंगे। बेटे के साथ मारपीट हुई है, अस्पताल से आया है, किस तरह का व्यवहार आपका रहा है, क्योंकि आप लोगों ने बचपन यहाँ गुजारा है, जिन लोगों के साथ मारपिटाई हुई है या जिन लोगों ने सन्नी के ऊपर अटैक किया है, उसको घायल किया है, वो लोग भी आपके बच्चों की तरह हैं, बचपन से आप लोगों ने उनको देखा है, क्या लगता है उनके दिमाग में इतना जातिवाद कैसे आ गया? क्या पता जी कैसे आ गया, मतलब बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, खेले कूदे, हाँ बोल चालते हैं, तो उसके बावजूद मतलब इतनी बड़ी दुश्मनी निकाली है, पता नहीं क्यों निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों, क्या क्या समझ जी, ये शिशु चढ़ा है कि ये ऊपर क्यों जा रहे हैं, और वो ये पता नहीं लड़ना क्यों चाह रहे हैं, क्यों नहीं चाह रहे, सामने से लड़ाई करते ना पीछे से बार करे। कभी ये सोचने की कोशिश की है कि जब बचपन से छोटे से आप लोग दादा परदादा के टाइम से कोई लड़ाई नहीं, पहले अब से 5-7 साल से पहले ज्यादा लड़ाई करने लग गए, किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है? वही जी, इनके नाम साले चमट्टा, तो जान से मार दूंगा, पीछे मेरे पीछे स्वागत फावला मारा, गाली देते गया 2-3 बार है, मैंने मना करी मैंने गाली वाली मत दे रहने दे, फिर दोबारा गाली देता गया,
फिर पीछे से फावला लाया, मेरे पीछे फावला मारा, दो बार फावला मारा मेरा, एक बार यहाँ मारा, एक बार सर में मारा। तो अभी अभी क्या है, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या ग्रामीणों के संपर्क में आके या ग्रामीणों के? कानूनी लड़ाई लड़ेंगे जी, मतलब अपना हक जो है कानून के माध्यम। हाँ जी, हाँ जी, समझौता नहीं करेंगे? नहीं जी। चलिए, एक बड़ी बात है और अच्छी बात भी है कि कानून का पालन करने वाला ये समाज है। इस समाज ने इस देश को प्रथम कानून मंत्री दिया है, इस समाज ने इस देश को भारतीय संविधान दिया है। इस कानून ने जो हमारे पीछे गाजियाबाद पुलिस, जिनकी मैं भी बड़ाई कर रहा था, इन सभी के जो सिर पर जो आप स्टार देख रहे हैं वो स्टार दिए हैं। कम से कम इस कानून को ऐसा भी करना चाहिए कि इन गरीबों की, इन दलित शोषित पिछड़े समाज के लोगों की जो मदद है, जो उनको न्याय है, उसको दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। मैं हूँ आज गाजियाबाद के ऐतिहासिक गांव बमेटा से। छोटा था, कॉलेज में पढ़ता था, तब मैं यहाँ पर आता था। कुछ लोगों से जानेंगे कि गांव का क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? देवव्रत। देवव्रत जी, अनुसूचित जाति से आते हैं आप? जी। तो इस गांव के अंदर जो बड़ी जातियाँ हैं उनका क्या, आप लोगों के साथ में किस तरह का उनका रहन सहन है, व्यवहार है? अभी तक तो हमारा पहले से ही किसी जाति से भी मनमुटाव कभी हुआ ही नहीं है। आपस में बहुत प्रेम है हमारे गांव में और आगे भी रहेगा यही प्रेम। हम संविधान के तरीके से काम करते हैं। मैं ये सवाल अटपटा लग सकता है मेरे दर्शकों को भी, और बार बार जब हमारी खबरें दर्शक देख के जातिवादी खबरें दिखाते हैं, लेकिन जब जातिवादी शब्दों से सूचित किया जाएगा, चमार, ढेर, जाटव कहकर मारा पीटा जाएगा, गालियाँ दी जाएंगी, तो सवाल उठते हैं। हाँ, तो ये पहली बार हुआ है हमारे गाँव में, ऐसा कभी हुआ नहीं है। नहीं, हमारा कभी किसी भी जाति से कोई मनमुटाव नहीं है किसी से भी। आपस में बहुत प्रेम है, आप एक साथ उठते बैठते हैं। ये तो पता नहीं आजकल के बच्चों में क्या हो रहा है, मतलब बच्चे माँ बाप के कहने में नहीं आ रहे, बस ऐसे समझो अपना कानून खुद बन रहे हैं। क्या नाम है आपका? ब्रह्मजीत। ब्रह्मजीत, क्या लगता है इस घटना से इस गांव का जो प्रेम है सौहार्द वो बिगड़ा है? कोई नहीं, देखो जो हम तो आपस के यार दोस्त हैं जी, बचपन से साथ खेले बड़े। हाँ, साथ खेले बड़े हैं, पर अब मनमुटाव हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। क्या लगता है मनमुटाव क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है? मतलब आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करते करते जवान होने के बाद इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? मैं नवीन कुमार साहपुर बमेटा से जी। इसमें मैं परिवार का संस्कार कहूँगा जी, कहीं ना कहीं परिवार की इसमें जो है कमियाँ रहती हैं। बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता, बच्चे जो उत्पात करते हैं जी। पहले छोटा करते हैं, उसके बाद में जैसे भाई के साथ में भी घटना घटी है, तो शायद हमारे बीच में भाई नहीं होते। तो मैं तो यही कहूँगा सभी जो है अपने समाज के भी, सर्व समाज से भी, कि अपने बच्चों को शिक्षित करें और अच्छी शिक्षा दें और अच्छे उनमें संस्कार डालें, जो ऐसी घटनाएं न घटें।